नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। और ये वीडियो खासकर लेडीज़ के लिए यानी कि महिलाओं के लिए होने वाली है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, लगभग सभी लड़कियों को होती है। दोस्तों, ये जो वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये लगभग कॉमन रहती है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो वाइट डिस्चार्ज की समस्या है उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हो सकता है कि आपके इन्फेक्शन हो सकता है आपके कोई अदर कंडीशन हो। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, उसके बाद में बताएंगे उसका मतलब क्या है, साथ ही सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। तो दोस्तों, जिन महिलाओं को ब्लडी या फिर ब्राउन कलर का अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें आपके इरेगुलर मेस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आपके जो है मेस्ट्रुअल साइकिल सही से ना आ रहा हो, या फिर हो सकता है कि आपके सर्वाइकल या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर हो, ये भी चांस हो सकता है। इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे, तो एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, मतलब वजाइना से एबनॉर्मल तरीके से ब्लीडिंग होना, साथ ही पेल्विक पेन होना, ये भी हो सकता है। अगर आपके क्लाउडी या फिर येलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है आपके गोनोरिया होने के चांस हैं। और इसमें जो आपको सिम्टम्स आएंगे वो ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, मतलब पीरियड्स के दौरान में ब्लीडिंग होना, यूरिनरी इनकंटिनेंस, पेशाब रुक रुक कराना, पेल्विक रीजन में पेन होना। अगला जो डिस्चार्ज है वो है अगर आपके फ्रॉथी या फिर येलो या फिर ग्रीनिश कलर का जो है डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें बैड स्मेल आ रही है तो आपको ट्राइकोमोनियसिस हो सकता है। इसमें जो लक्षण होंगे वो पेन और इचिंग होगी जब आप यूरिन करने जाएंगे, मतलब टॉयलेट जाएंगी। अगर किसी महिला के पिंक कलर का डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि उसकी जो यूटेराइन लाइनिंग है वो टूटने से ऐसा हो सकता है। और ये अक्सर जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो ये पिंक कलर का जो है डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर किसी महिला के थिक वाइट चीज़ी कलर का डिस्चार्ज है तो उस महिला को ईस्ट इन्फेक्शन होने के 100% चांस होते हैं। इसमें सिम्टम्स की बात करें, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो इसमें स्वेलिंग और पेन जो है वॉल्वा के चारों तरफ स्वेलिंग या फिर पेन या फिर खुजलाहट महसूस हो सकती है। पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनफुल हो सकता है। अगर किसी महिला के वाइट ग्रे या फिर येलो कलर का डिस्चार्ज हो और उसमें मछली मतलब फिसी जैसी ऑर्डर आ रही हो, सुगंध आ रही हो, तो उस महिला को बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इचिंग और बर्निंग रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द वजाइना, उसकी वजाइना में खुजली महसूस हो सकती है, जलन महसूस हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भाई डिस्चार्ज और उसमें क्या क्या हो सकता है। बात कर लेते हैं अगर आपके ऐसी कोई कंडीशन है तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, उसका कारण पकड़ के उसका इलाज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आपके ईस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें एंटी फंगल मेडिसिन जो है चलाई जाती हैं, और ये जो एंटी फंगल मेडिसिन है ये क्रीम या फिर जेल फॉर्म में हो सकती हैं और आपको इसको जो है वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। अगर किसी को बैक्टीरियल वजाइनोसिस है तो दोस्तों इसको जो है एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं और क्रीम भी डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर किसी को ट्राइकोमोनियसिस है तो दोस्तों इसमें जो दवाई चलाई जाती है वो है मेट्रोनिडाजोल, जो कि फ्लैजिल के नाम से मार्केट में फेमस है, मेट्रोजिल के नाम से भी आती है, और दूसरी जो है ट्रिनिडाजोल, ये मेडिसिन चलाई जाती हैं। तो ये था वीडियो हमारा महिलाओं के
स्वास्थ्य के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।